विधानसभा के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन अंतिम समय पर एक बार फिर से सदन के भीतर हंगामा देखने को मिला। इस दौरान राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद चर्चा में भाग लेते हुए तय हुई सदस्यों की सूची के अलावा अन्य विधायकों के बोलने पर विपक्ष के नेताओं ने सवाल उठाए। इसे लेकर विधानसभा अध्यक्ष के साथ ही गहमागहमी होती हुई नजर आई। वहीं उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बीच बचाव करते हुए अंतिम दिन शांति के साथ सदन से विदा लेने की बात कही। इसके बाद फिर से विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया ने विपक्ष को नियमों का हवाला दिया। इसी बात को लेकर विपक्ष ने सदन से नारेबाजी करते हुए वॉकआउट कर दिया। नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रहे विपिन सिंह परमार ने कहा कि तय हुए कार्य के अलावा मनमर्जी से सत्ता पक्ष को लाभ पहुंचाने का काम किया जा रहा है, ऐसे में इसका उन्होंने कड़ा विरोध किया है। सुबह ये तय हुआ था स्पीकर साहब के चैम्बर में, और वहाँ पर मैं स्वयं था, श्री सतपाल सिंह जी थे और श्री हर्षवर्धन चौहान जी थे। वहाँ ये तय हुआ था कि यहाँ बोलने वालों की संख्या निर्धारित कर दी जाए, यानी हमारी तरफ से भी चार सदस्य बोले और वहाँ पर प्रपोजर स्कैंडर उसके अलावा दो लोग और बोले। हमने उसको ऑनर किया, फॉलो किया। हमने बहुत से सीनियर सदस्यों को कहा कि आप नहीं बोलेंगे, परंतु वहाँ पर कुछ माननीय सदस्यों की तरफ से, यानी सत्ता पक्ष की तरफ से सीधी चिट्ठियाँ पहुंचा दी गई। हमने नियम का की पालना की, उन्होंने अवहेलना की, और उसके बाद हमने पॉइंट ऑफ ऑर्डर मांगा तो माननीय जो स्पीकर महोदय हैं वो विशेषाधिकार का जिक्र करने लगे। किसके ऊपर कर रहे हैं विशेषाधिकार? जिन लोगों ने हिमाचल प्रदेश में हमें भी जितवाया है, प्रदेश के हित की बात करने के लिए आए हैं, उनको कह रहे हैं कि आपके लिए विशेषाधिकार लागू हो रहा है। तो उस हमने बार बार रिक्वेस्ट की। वहाँ पर मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि जो सत्ता पक्ष है वहाँ पर कोई तालमेल नहीं है। सभी नेता बने हुए हैं और अपनी बात खड़े होकर के कोई मंत्री बनना चाहता है, कोई चेयरमैन बनना चाहता है। इस बार का जो सत्र है ये सत्र निराशाजनक रहा है। इस बार का जो सत्र है इसमें कोई उत्साह नहीं है। प्रदेश के लोगों ने कांग्रेस को जो जनादेश दिया है उसकी कांग्रेस ने धज्जियां उड़ाई हैं, इसलिए हमने वॉकआउट किया। और उसके उपरांत वो जो सभापति हैं या हमारे स्पीकर हैं, पीठासीन अधिकारी हैं, बार बार वो नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। ये संस्थाएं, ये विधानसभा परंपराओं से चलती हैं। किताबों में लिखी हुई बातों का भी उल्लेख करना पड़ता है, परंतु जो परंपराएँ हैं उनका निर्वहन हमारे स्पीकर साहब ढंग से करें, ताकि आने वाले दिनों में जो हमारा बजट सत्र है, अभी तो ये शुरुआत है, बजट सत्र में तो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि जवाब मांगेंगे, पूछताछ करेंगे, और उस समय और इस प्रकार की बातें होंगी, संवाद वो बढ़ाएंगे तो विवाद नहीं होंगे, और संवादहीनता रखेंगे तो लोगों के हित को हम दबने नहीं देंगे, ये कहना चाहता हूं। तो हम ये मानकर चलें सर कि अब बिना विपक्ष के ही सदन अंदर चलेगा, आप लोग वापस जाएंगे नहीं? इनको इसी में आनंद आ रहा है कि हम ना रहें तो वो जो मर्जी कहना चाहे वो कह दें, क्योंकि वो आइसोलेशन में है और आइसोलेशन में लोगों को बड़ा आनंद आता है, तो कांग्रेस वालों को भी वो आनंद आ रहा है। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए धर्मशाला से नरेंद्र कुमार की रिपोर्ट। दिव्य हिमाचल मीडिया ग्रुप अपने पाठकों के लिए एक बार फिर लेकर आया है कौन बनेगा लखपति इनामी कूपन योजना, जिसमें आप जीत सकते हैं 1,00,000 का नकद इनाम, LED, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन और ढेरों आकर्षक इनाम। इनामी कूपन प्रकाशित हो रहे हैं जिन्हें एकत्रित कर भेजना होगा दिव्य हिमाचल कार्यालय, क्योंकि अब योजना में भाग लेने के लिए बचे हैं कुछ ही दिन शेष। तो आज ही दिव्य हिमाचल समाचार पत्र की प्रति बुक करवाने के लिए अपने नजदीकी हॉकर या न्यूज पेपर एजेंसी से संपर्क करें, या फिर हमें कॉल करें 01892264713 पर।